गाइस ये है हमारा बजट प्रीमियम आरजीबी कीबोर्ड एंड माउस। गाइस स्वागत है आप सभी का अनदर वीडियो में। एंड आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे दो ऐसे गैजेट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस हमारे पीसीज और लैपटॉप्स वगैरह के लिए। तो उसी के आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देंगे आप सभी को। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है ना, आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगी। बजट में आपको प्रीमियम फील दिलाएगी गाइस, ट्रस्ट मी। वैसे मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ गाइस वह प्रोडक्ट। तो ये रहा वो दो प्रोडक्ट, आप देख ही सकते हो गाइस। ये एचपी की तरफ से आते हैं गाइस, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम एंड आरजीबी माउस मिल जाते हैं गाइस। ट्रस्ट मी, काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। सब कुछ मैं आप सभी को रिव्यू, प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊंगा। और ये जो फिंगर्स ब्रांड की आप देख सकते हो ना गाइस, ये रहा फिंगर ब्रांड्स की एक कीबोर्ड जो कि मून लाइट कलर पे आती है, जो कि सिर्फ एक ही कलर है, लेकिन ट्रस्ट मी इतनी ज़्यादा खुशी दिलाती है ना गाइस, क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो जल्दी से आप सभी को ले जाता हूँ गाइस कीबोर्ड की ओर अनबॉक्सिंग वगैरह में। तो लेट्स करें इसकी बिल्ड एंड डिजाइन की। तो ट्रस्ट मी गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी गाइस माउस की। और इसकी केबल्स भी काफी ज्यादा प्रीमियम रिच लगती है, ब्रेडेड केबल के साथ आती है। और इसकी माउस में भी आप देख सकते हो डिजाइन वगैरह, लाइट्स वगैरह बिल्कुल स्मूथ चलती है भाई। ट्रस्ट मी काफी ज्यादा बेस्ट लगती है, लुक एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। ओके, और बात करें इसकी कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड की भी बिल्ड क्वालिटी गाइस काफी अच्छी मिल जाती है। बट मैं आप सभी को बताऊंगा इसकी जो वायर्स है गाइस, आप देख सकते हो इसकी वायर्स हल्का सा ब्रेडेड होती ना गाइस, ट्रस्ट मी ब्रेडेड केबल होती तो ये भी काफी प्रीमियम लगती। ओवरऑल कीबोर्ड की साइज काफी अच्छी है गाइस, नॉर्मल साइज, और सभी बटन्स वगैरह देखने को मिल जाती है इसके कीबोर्ड में। ओके, तो ओवरऑल इसकी बिल्ड एंड डिजाइन आपको काफी ज्यादा प्रीमियम और मूनलाइट कलर में, आरजीबी कलर में काफी प्रीमियम फील कराएगी। तो वैसे आप सभी को कीबोर्ड कैसी लगी और माउस कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। ओके, तो अब बात करते हैं इस माउस एंड कीबोर्ड की गाइस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो वैसे देखो कीबोर्ड तो आपको नॉर्मल कीबोर्ड ही मिलती है, बट इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ये मिलते हैं कि इसमें जो है ना गाइस वो मून लाइट वाइट कलर आपको मिल जाती है, जो कि बैकलिट कीबोर्ड है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं गाइस। मून लाइट कलर जो कि हल्का हल्का पिंकिश टाइप से लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगते हैं। ऑल्दो इसमें सिर्फ एक ही कलर है और इसे आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, तो काफी अच्छी बेस्ट फीचर है गाइस इस कीबोर्ड की। तो अगर आप नाइट में यूज कर रहे हो तो इस बटन को क्लिक कर गाइस आप इसकी लाइट को ऑन कर सकते हो, और ट्रस्ट में काफी ज्यादा मस्त लगती है। आप सभी को यह कीबोर्ड कैसी लगी गाइस कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। सभी बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छी रहती है, तो मेरे को इसकी कीबोर्ड काफी अच्छी। बात करें माउस की, तो माउस भी काफी अच्छी है गाइस। इसकी जो आरजीबी कलर है ना, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन मिलती है, जिससे अचानक से कलर चेंज नहीं होते हैं, जिससे काफी प्रॉब्लम होती है। बट इसमें गाइस बिल्कुल स्मूथ कलर शिफ्ट होती है, जिससे पता भी नहीं चलती भाई। और ट्रस्ट में काफी अच्छी लुक्स मिलती है इस माउस की। और इसमें आपको दो एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं। ओके, तो आप देख ही सकते हो गाइस इसके साइड में दो, एक अप साइड मतलब आगे के लिए और पीछे के लिए। ओके, तो एक पीछे वाला दबाओगे तो एक बारी बैक हो जाएगा, और आगे वाला दबाओगे तो उसमें आगे बढ़ जाएगी गाइस। ओके, इस साइड वाले बटन से। और इसकी जो स्क्रॉल बटन आप देख सकते हो गाइस, मेटल की मिलती है गाइस, मेटल कोटेड के साथ आती है, तो माउस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आप सभी को मिल जाएगी। और ओवरऑल इसकी जो केबल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलती है। ओवरऑल गाइस इस माउस और इस कीबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। आप सभी को इसके फीचर्स कैसी लगी? बस माउस और कीबोर्ड सब नॉर्मल है, बट इसमें आपको LEDs वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है क्वालिटी।
क्वालिटी काफी बेस्ट मिल जाएगी गाइस। प्राइस वगैरह मैं आप सभी को लास्ट में बताता हूं। इन बात करें माउस एंड कीबोर्ड की बैटरी कंजप्शन की, ओके, तो ये जो कीबोर्ड और माउस है ना गाइस, एक बैटरी ठीक ठाक कंज्यूम कर लेते हैं। मैं आप सभी को अच्छे से समझाता हूं। सपोज मैं इसे लैपटॉप में यूज करता हूं और 100% लैपटॉप में ही यूज करता हूं, उसी के लिए मैं बाय किया हूं, ओके। तो मेरा लैपटॉप आप देख ही सकते हो गाइस कुछ इस तरह से है। तो मेरा इस लैपटॉप की बैटरी ना गाइस 4 आवर के अकॉर्डिंग चलती है। मेरा लैपटॉप की बैटरी 4 घंटे के अराउंड, ओके। तो जैसे ही मैं जितना भी यूज करूँ ना कीबोर्ड और माउस को और इसकी LED वगैरह को ऑन रखे रहूँ, तो इसकी जो बैटरी ना करीब 20 मिनट के अराउंड घट जाती है। यानी कि गाइस आपका लैपटॉप 4 घंटे चलती है, तो आपका लैपटॉप अगर आप इस RGB और मतलब ये जो कीबोर्ड बैकलिट कीबोर्ड और माउस को यूज करोगे उसके साथ, तो 3 घंटा और 40 मिनट के अराउंड आपको मिलेगी बैटरी बैकअप। 4 घंटा में से 20 मिनट आप घटा सकते हो, तो बैटरी ठीक ठाक कंज्यूम करती है गाइस। एक बहुत ही कम तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक कंज्यूम करती है, ज़्यादा भी नहीं बट कम भी नहीं, ठीक ठाक बैटरी कंज्यूम करती है। जो कि और कम करती तो और भी अच्छी होती, बट लाइट भी काफ़ी ब्राइट है, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बात करें इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज तो इसमें गाइस ठीक ठाक सी है। लाइक कीबोर्ड की बात करें तो इसमें मूनलाइट कलर मिलती है, जो कि प्रॉब्लम इसमें ये नहीं मिलती है कि अगर आपको RGB चाहिए था ना, तो कोई कोई कलर जो किसी किसी बटन्स पर लाइट वगैरह चलती है जलती है, तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है गैस शो होने में। इसीलिए हम बाय नहीं किए गए इस RGB कीबोर्ड, इसलिए हमने चूज़ किया कि सिर्फ एक ही कलर हो जो कि काफ़ी अच्छी लगे। तो ये जो एक कलर जलती है ना, तो इससे प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपको कभी RGB रहता तो कभी कहीं दूसरे कलर पे जलती है और कहीं दूसरे कलर पर। तो जहाँ डार्क कलर पे जलती है ना गाइस कीबोर्ड में, तो वहाँ का जो बटन है वो शो नहीं होती है, इसलिए हमने चूज नहीं किया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस हमारे इस कीबोर्ड के लिए। और माउस के लिए तो सिर्फ 3-4 ही बटन होती है भाई, तो इसमें कोई सा भी कलर जले कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए इसको हम RGB चूज़ किए, ओके। तो प्रोज तो मैं आप सभी को बता ही चुका गाइस। इसमें और सभी तरह की कीबोर्ड और टेक्टाइल्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है गाइस, कीबोर्ड को दबाने वगैरह में काफ़ी अच्छी लगती है, प्रीमियम फील होती है, और माउस वगैरह को भी काफ़ी प्रीमियम फील होती है। मेरे को 3 मेन डिसवांटेजेस लगे गाइस इस दोनों प्रोडक्ट में, मैं आप सभी को अच्छे से बताता हूँ। कीबोर्ड में आप सभी को बस केबल ब्रेडेड नहीं मिलती, तो थोड़ा सा ड्यूरेबल कम लगती है, बट अच्छी है लेकिन ड्यूरेबल कम लगती है, डाउट रहती है, ओके, टूट जाएगी ऐसा। और सेकंड, आप सभी को माउस में मिलती है, उसकी लाइट को ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। और थर्ड गाइस, इसकी बैटरी कंजप्शन थोड़ी सी कम होती, लाइक 15 मिनट या 10 मिनट तो काफ़ी अच्छी होती। तो यही मेरे को 3 प्रॉब्लम्स लगी गाइस इस कीबोर्ड और माउस में, ओके। तो ये मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लगी, बट है तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ओके। तो फाइनली लास्ट बात करते हैं गाइस इसकी प्राइजिंग की, ओके, और इसे हम कैसे बाय कर सकते हैं। तो इस दोनों कीबोर्ड और माउस को हमने ऑफलाइन बाय किया है गाइस नियरेस्ट लैपटॉप स्टोर से। तो कीबोर्ड की प्राइस बात करें तो उसकी प्राइस है गाइस 800 रुपीज, जो कि ठीक ठाक प्राइस है गाइस, कम नहीं है, ओके, ठीक ठाक प्राइस है। और इसमें बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है, सब तो पता ही चुका, और फीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिलती है, ओके। तो इसकी प्राइस आपको ठीक ठाक लगती है कीबोर्ड की, ओके। और माउस की बात करें तो माउस की प्राइस है गाइस 600, जो कि HP ब्रांड के साथ आती है, तो ये काफ़ी अच्छी है, ओके। माउस से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बट कीबोर्ड थोड़ा सा अच्छे ब्रांड की नहीं है, तो पता नहीं कितना चलेगी वो, तो आई थिंक 2-3-4-5 साल तो चलना ही चाहिए। तो देखते हैं गाइस, आप सभी को लॉन्ग टर्म रिव्यू दे देंगे अगर कोई भी इशू आती है इन दोनों प्रोडक्ट्स में, ओके। तो एक बार ही आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, मैं आप सभी को अगर ये जो प्रोडक्ट्स की लिंक मिलती है तो मैं आप सभी को वहां प्रोवाइड कर दूंगा, ओके गाइस। तो आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। मुझे तो गाइस ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी लगी, इसीलिए तो मैं बाय किया हूँ, ओके। तो आई होप आप सभी को आज की रिव्यू अच्छी लगी होगी गाइस, लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना भाई, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।